गंगे बाबा उदासीन अखाड़ा आश्रम में 25 फरवरी को शिला दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसका दर्शन पहली बार श्रद्धालु करेंगे। काशीपुर एकम सनातन भारत दल के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर आर के महाजन ने प्रेस वार्ता कर बताया कि 25 फरवरी रविवार को गंगे बाबा उदासीन अखाड़ा आश्रम में शिला दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह पहला अवसर है जब भगवान श्री राम के समय बनाए गए राम सेतु के निर्माण में जिन शिलाओं को पानी में रास्ता बनाने के लिए डाला गया था, उसी में से एक शिला को दर्शन के लिए गंगे बाबा उदासीन अखाड़ा आश्रम में लाया जा रहा है। इस शिला का पहली बार दर्शन व पूजा अर्चना कर सकेंगे श्रद्धालु। एकम सनातन भारत दल जो कि एक राजनीतिक संगठन, नवगठित राजनीतिक संगठन है, उसकी जो काशीपुर इकाई है उसके अपने वीना शर्मा जी हैं, अपने महानगर अध्यक्ष एकम शक्ति के नाम से। हमारे बगल में विद्यार्थी भैया जी बैठे हैं जिनको कि पूरा क्षेत्र जानता है, आप हमारे संरक्षक के रूप में यहाँ पर हैं। रमा शर्मा जी एकम शक्ति की महानगर की हमारी महामंत्री हैं। मैं एकम सनातन भारत दल का प्रदेश के उपाध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूँ। मेरे बगल में शंकर समाज बैठे हैं जो कि वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। जो आज की प्रस्तावित प्रेस वार्ता है, आप सबने सुना होगा कि भगवान श्री राम त्रेता युग में जब हुए थे तो आतताई रावण को उसको मारने के लिए, उसका वध करने के लिए उनको एक राम सेतु, एक पुल चाहिए था जो कि रामेश्वरम से होकर लंका जी से जा सके। तो जो वो पुल बनाता, जो राम सेतु बनाता, उनमें जो पत्थर प्रयुक्त किए गए थे, उन पत्थरों को जब आम लोग डालते थे समुद्र में तो वो डूब जाते थे। तो फिर क्या किया हमारे वानरों ने, नलनी जो वहाँ के इंजीनियर थे, उन्होंने उन पत्थरों पे श्री राम लिखा और उनको जब जल में डाला तो वो डूबे नहीं, वो तैरते रहे। तो ऐसे पत्थर जिनसे कि राम सेतु बना और जिस पर चलकर प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी और उनकी पूरी वानर सेना जो लंका गई थी, वहाँ जाकर उन्होंने उस आतताई रावण का वध किया और सनातन धर्म की रक्षा की। उस पुल पर जिन पत्थरों का या जिन शिलाओं का प्रयोग हुआ था, जो प्रयुक्त हुई थी, वह शिला हमारे पास कहीं ना कहीं से प्रभु राम श्री के पास इस समय है। तो वह रामशिला काशीपुर क्षेत्र के लोगों का सौभाग्य है कि 25 फरवरी को दिन में 11 बजे श्री गंगे बाबा आश्रम में वह रामशिला हिंदू समाज के लिए दर्शन के लिए रखी जाएगी। आप सबसे अनुरोध है, सारे सनातन से अनुरोध है कि आप आएं, उसके दर्शन करें, पूजन करें और पुण्य के भागी बनें। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।